स्टूडेंट यूनियन के हाल से कोई तस्वीर हटाई नहीं गई है, अलबत्त दो तीन तस्वीरें जिन पे गर्दा पड़ी थी डस्ट, तो उनको सफाई के लिए वहाँ नीचे किया गया अपनी प्लेस से। जिन्ना की तस्वीर कहाँ है? जिन्ना की तस्वीर भी वहीं है, लगी हुई सारी तस्वीरें वहीं लगी हुई है, बस सफाई चल रही है वहाँ हॉल की। वो हटा दी गई है? नहीं हटाई नहीं, अभी कन्फर्म किया हमने, हटाई किसी तस्वीर को हटाया नहीं गया, अलबत्ता दो तीन तस्वीरें वहाँ से मतलब सफाई के लिए वहीं है, डस्ट था उनपे, बस सफाई की जा रही है, क्योंकि पूरे हाल की भी सफाई की जा रही है, क्योंकि हामिद अंसारी साहब आज विजिट कर रहे हैं। प्रेशर है किसका हटाने को लेकर? मोदी सरकार का आठाना के बराबर प्रेशर है। जिन्ना की तस्वीर हटेगी नहीं हटेगी यहाँ से? क्यों हटेगी, अभी तो हटी हुई है। नहीं वही है, नहीं बताया जा रहा है कि आपने तस्वीर हटा ली है। नहीं नहीं, किसी ने हटाई नहीं है, चल के दिखाइए, चल के दिखाइए। जिन्ना की तस्वीर किसी ने हटाई नहीं है, अलबत्त सफाई हो रही है और पांच छह तस्वीरों को साफ किया जा रहा है, बहुत टाइम से डस्ट है, तस्वीर कोई हटी नहीं है, तस्वीर वही है, अलबत्त सफाई चल रही है और डस्ट पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से कुछ मिसकंसेप्शन हो रहा है लोगों में, शायद वहाँ तस्वीरें हटाने की बात हो रही है और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। द पोर्ट्रेट इज स्टिल स्टैंडिंग देयर एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट, जस्ट डस्ट के कारण उनको साफ किया जा रहा है, और पूरे क्या पूरे यूनियन हॉल की डिबेटिंग क्लब को साफ किया जा रहा है, क्योंकि अभी हामिद अंसारी साहब आज विजिट कर रहे हैं। ये जो विवाद शुरू हुआ है जिन्ना की तस्वीर को लेकर के, सांसद ने लेटर लिखा है कुलपति को, से आप क्या मानते हैं, क्या है? देखिए मैं कहूँगा इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है, 1947 से पहले जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी वह हर एक को स्पेस देती थी, चाहे वे किसी भी आइडियोलॉजी से हो, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर स्टेट। 1947 से भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेक्युलर कंसेप्ट रखता था, उसमें खाली जिन्ना ही नहीं है, उसमें नेहरू भी है, गांधी भी हैं, उसमें सर डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं,